नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम ओझोल पंचायत में, जो बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत है और ये कोठिया गांव है। और हम आप इसके बाद बल्लोपुर गांव का भी दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पे बांस का एक चचरी का पुल बनाया गया है और पानी की जरा रेत देख लीजिए और कैसे यहाँ पे साइड में एक नाव रखी है और लोग इसी नाव के सहारे से कहीं दूर दूर दूसरे जगह पर जाते हैं जो दूसरे गाँव में है इस पंचायत के। आपको दृश्य भी दिखाते हैं और लोगों से बात करेंगे कि चुनाव होने वाला है, वर्तमान जनप्रतिनिधि आ रहे हैं या जो नए युवा प्रतिनिधि आ रहे हैं, कौन उनकी मदद करने आ रहे हैं। बिहार में फिर से तबाही मचा रहा है। नेपाल के द्वारा छोड़ा गया पानी उत्तर बिहार के सभी इलाकों में लगातार अपने लोगों में भय दिखला रहा है। आप देख सकते हैं ये छोटी बच्ची है, देखिए किस कदर इस रेत में सड़क पार कर रही है। अपने जान को हथेली पर रख करके लोग इस पर गुजरते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव का गांव, शहर का शहर इस बाढ़ की चपेट में आ गया है। हमारे सहयोगी संजय मंडल की रिपोर्ट दरभंगा से। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये बल्लोपुर का है। आज दरभंगा में बिहार के जल संसाधन मंत्री जी दौरे पे हैं और दरभंगा शहर के बाजितपुर वार्ड 23 में भी आए थे और हमें खबर मिली कि बल्लोपुर की तरफ भी वो आए हैं। तो हम यहाँ पे देखने आए हैं, यहाँ पे लोग हैं, मुमताज़ जी यहाँ पे एक शख्स है, जनप्रतिनिधि भी हैं और सुनते हैं लोगों की समस्या। जी मुमताज़ जी, ये चारों तरफ से डूबा हुआ दिख रहा है तस्वीरों में जी, कितने महीने तक ये पानी रहती है? ये कम से कम 3 महीने तक रहती है। तो फिर कैसे चलता है जीवन यहाँ पे? जीवन अस्त व्यस्त चलता है, हो जाता है, नहीं ठीक से चल पा रहा है जीवन। इसलिए कि जब 3 महीना ये पूरी तरह बाढ़ के चपेट में ये गांव रहेगा तो जीवन तो अस्त व्यस्त ही न रहेगा। क्या यहाँ पे सीओ साहब, वीडियो साहब आ करके देख करके गए हैं और बाढ़ पीड़ित घोषित किए हैं इस क्षेत्र को? इस गाँव में अब तक न सीओ साहब, न वीडियो साहब और न कोई पंचायत के जनप्रतिनिधि या और भी अदर जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया हम लोग का हाल जानने के लिए। अच्छा। यहाँ तक कि इस गांव को नाव तक मुहैया नहीं कराया गया। लोग इसी तरह पानी तैर के हेल के पानी पानी जाते हैं। जहाँ तक कि ये पानी की वजह से ये पानी इतना गंदा हो चुका है कि पूरा पांव सब सड़ जाता है हम लोग का, हेलते हेलते तैरते तैरते पूरा पांव एकदम लाल बना हुआ है ये प्रदूषण वाले पानी में। दूसरी बात यह है कि न दवा के छिड़काव का कोई जो सो जनप्रतिनिधि आता है छिड़काव करने के लिए, पूरा महामारी फैला। क्या आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि यानी वर्तमान में जो मुखिया है या पंचायत समिति हैं या वार्ड मेंबर, उन सबसे सहायता लिया? कोई सहायता ही नहीं दिया। और जहाँ तक कि कोई भी जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, सरपंच हो या मतलब जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, हम लोग का हाल जानने तक के लिए नहीं आया और न ये कहने के लिए आया कि आप लोग किस हाल में हैं, आप लोग को कम से कम नाव मुहैया करा दे। खाने पीने की तो दूर की बात है, खाना पीना नहीं मांगते हैं कि कम से कम नाव एक मुहैया करा दें, हम लोग की हाल जान ले, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात। तसल्ली भी देने नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। सुनने में आया कि वीडियो साहब आए हुए थे। वीडियो साहब गांव तक नहीं आए, वीडियो साहब रोड तक आए होंगे, रोडे रोड देख करके गए होंगे इस वार्ड में। ये बल्लोपुर ओझौल पंचायत का बल्लोपुर 6 नंबर वार्ड है। कितने दिन पहले वीडियो साहब आए होंगे? ये लगभग 15-20 दिन पहले आए थे। उसके बाद क्या राहत मिली? उसके बाद कोई राहत नहीं मिली, कोई पैकेज नहीं, कोई राहत नहीं, प्लास्टिक तक नहीं, नाव तक नहीं। यानी कि हम लोग का कोई हाल ही जानने के लिए आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं आए और न कोई प्रशासन के लोग आए। ये हाल है, आप देख सकते हैं पूरा बाढ़ के चपेट में है। और ये मेरा घर है, मुमताज का घर है। जो बाढ़ आता है इस गांव में, वार्ड में, तो सबसे पहले हम डूबते हैं, पूरा जान माल का नुकसान होता है। हर साल 50,000-75,000 का नुकसान होता है, घर में पानी घुस जाता है जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है, दूसरी जगह शरण लेना पड़ता है। चलिए, जो वर्तमान है मुखिया, आपके मुताबिक वो नहीं आते, ना फोन करते ना कि हाल चाल है। क्या कोई जो कैंडिडेट नया खड़ा हो रहा है चुनाव में, मुखिया में या किसी, जो कोई आया अभी तक पूछने के लिए, एक बार कभी देखने, कोई सामान देने? वो भावी प्रत्याशी मुखिया है, वो भी अब तक हम लोग का हाल जानने के लिए नहीं आया। कौन है भावी प्रत्याशी? प्रत्याशी तो बहुत है, भावी कौन है? भावी में तो जैसे अब्दुल कलाम है, वो उधर सूरज है, रामनाथ है, वो भी ये सब वगैरह वगैरह और भी कई मुखिया भावी प्रत्याशी में है, लेकिन वो भी हम लोग का हाल जानने के लिए नहीं। अभी किसी मोहतरमा ने कहा था कि सूरज कुमार आए थे और उन्होंने पैकेट में एक सैनिटाइजर, मास्क, साबुन ये सब दिया। कुछ दिन पहले आए थे, जो पानी नहीं था, बाढ़ नहीं था, तो उससे पहले आकर के जो सैनिटाइज करके गए हुए हैं और चूना और जो सो ब्लीचिंग पाउडर जो सो मार के गए हुए हैं। चारों तरफ से पानी। वो घर आपका डूबा है जो पीछे में है, कितने दिनों से पानी में है वो घर? 2 महीने
कहाँ पे रह रहे हैं अभी? 2 महीने से दूसरे के यहाँ भाड़ा पे। हाँ। मुखिया जी आए हैं कि नहीं? नहीं आए मुखिया जी। मुखिया जी नहीं आए? नहीं। इसको वार्ड पीड़ित घोषित किया है? नहीं किया अभी तक। अभी आप लोग कुछ मिला है सरकार के तरफ से? अच्छा, ये बाढ़ जब आता है तो कितने महीने बाहर रहते हैं आप लोग? 1 महीना 3 महीना। अगले साल बाढ़ आया तो बाढ़ पीड़ित का पैसा मिला था? पर साल मिला था, इस साल अभी तक नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं मिला। मुखिया जी कभी आए हैं कि नहीं देखने नहीं के लिए? मुखिया जी कभी नहीं देखे। जब से मुखिया बने हैं 5 साल में तो कभी वो आए थे? बाहर आते हैं तो नहीं आते हैं देखने, वैसे भी नहीं देखने आते हैं किसी से। ठीक है, आपका नाम क्या है? जूही बेगम। कहाँ घर है आपका? बल्लोपुर। बताए कौन सा घर है आपका? कितने दिनों से पानी है घर में? कितने दिनों से पानी घर में? कितना दिन से पानी? 2 महीना से पानी है घर में। 2 महीना से है? और कहाँ पे रह रहे हैं अभी आप? अच्छा, उस किसी और के घर में है? नहीं, अपने घर है, मगर पानी है। अच्छा, पुतों के घर में रह रहे हैं। अच्छा, कोई आया है कि नहीं अभी देखने के लिए सरकार के तरफ से? कोई नहीं आया। मुखिया जी? कोई नहीं। मुखिया जी का नाम क्या है? लक्ष्मण नाम है। तो वो कभी आए हैं कि नहीं देखने के लिए? नहीं आए देखने के लिए। आई मेंबर भी जो है, कौन मेंबर? राजेश, वो भी ना कभी देखने के लिए आए। नहीं नहीं, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा? कोई सुविधा नहीं बोल रहे हैं। कोई अनाज जो मिला है? अनाज मिल रहा है, वही है। अनाज का भी सरकार से पैसा लेते हैं। ये कितना नंबर वार्ड है? 6 नंबर है। पंचायत पंचायत उझल हुआ।